कर्नाटक में भाजपा विधायक के ठिकानों से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद होने के बाद विधायक के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही नारेबाजी कर रहे हैं। भाजपा विधायक मदल विरुप्पा छप्पा की गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस ने सीएम बासव राजा बोम्मई के आवास के घेराव का ऐलान किया था। इसी ऐलान के तहत कर्नाटक कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़ रहे हैं। तब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस प्रदर्शनकारी माने नहीं, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए नेताओं में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हैं। कर्नाटक में भाजपा विधायक पर कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया है। वीडियो में सिद्धरमैया सहित कई कांग्रेसी नेता भाजपा विधायक के इस्तीफे की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करते नजर आ रहे हैं। दूसरी वीडियो में पुलिस कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेती हुई नजर आ रही है। इधर और रिश्वतखोरी के इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त अब भाजपा विधायक मदल विरुप्पा छप्पा को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। मालूम हो कि भाजपा विधायक के बेटे को कथित रूप से 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसके बाद भाजपा विधायक मदल विरुप्पा छप्पा के बेटे BWSSB के मुख्य लेखाकार प्रशांत मदल के घर सहित अन्य ठिकानों से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। इसके मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि विधायक वीरू छप्पा के बेटे को रिश्वत नकदी और दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने आवास से 8 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। उसने कर्नाटक में भाजपा के 40% कमीशन गठजोड़ का पर्दाफाश किया है। भाजपा की घुसखोर सरकार का मामला अब सबके सामने है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी धरने में शामिल हुए।